हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो आज हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिज़ाइन ऑफ नकल जॉइंट, नकल जॉइंट पे कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा, डिज़ाइन अ नकल जॉइंट टू ट्रांसमिट 150 किलो न्यूटन। द डिजाइन स्ट्रेसेस मे बी टेकन एज 75 मेगा पास्कल इन टेंशन एंड 60 मेगा पास्कल इन शीयर एंड 150 मेगा पास्कल इन कंप्रेशन। तो सबसे पहले तो गिवन जो है वो लिख लें। Given that P, that is 150 kilonewton, 150 kilonewton, that means 150 into 10 power 3 newton. The design stresses, ये तो हमारा load हो गया। Now, the design stresses की बात कर रहा है अब, may be taken as 75 megapascal in tension. Tension means sigma T. क्या हो जाएगा, 75 मेगा पास्कल मीन्स 75 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नाउ 60 मेगा पास्कल इन सीयर, 60 मेगा पास्कल मीन्स 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड 150 मेगा पास्कल इन कंप्रेशन मीन्स सिग्मा सी इज इक्वल टू 150 मेगा पास्कल, दैट मीन्स 150 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ओके, सो ये हमारे पास गिवन डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन करने का। जो हमारा नकल जॉइंट का जो रॉड है उससे हम डी निकाल लेते हैं इंपेरिकल फार्मूला लगाकर, जो हमारा कुछ बचा कुछ वैल्यू है वो सब निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा उससे निकालेंगे, दैट इज फेलियर ऑफ द सॉलिड रॉड इन टेंशन। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, दैट इज लोड इज इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। ये हमारा रॉड के लिए होता है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में डाला हूँ, वहाँ पे डिजाइन ऑफ नकल जॉइंट आप अच्छे से बताया हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी है, आप वहाँ से मुझे डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज़ ये फार्मूला आपको अगर भूल गए हो तो वो लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया, पी हमारा दिया हुआ है 150 इंटू 10 पावर 3 पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी, डेट इज़ 75। इससे आपकी डी की वैल्यू निकल जाएगी, मीन्स 50.4 आएगा हमारे डी का वैल्यू। लेकिन फॉर स्टैंडर्ड डी कभी भी पॉइंट में, डायमीटर जो हमारा नकल जॉइंट होगा कभी भी पॉइंट में ऐसा गेज नहीं बना, या फिर आप ऐसा पॉइंट में आप लेकर बनाने का कोई मतलब नहीं, कैलकुलेशन और टफ होगा। इसलिए कुछ स्टैंडर्ड बने हैं, आपको डिज़ाइन डेटा बुक में नकल जॉइंट में इंडेक्स खोलना, वहाँ पे नकल जॉइंट का हर एक पार्ट का स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगा। तो 50.4 का जो स्टैंडर्ड होता है अप्रॉक्स 52 mm, 48 होता है और उसके बाद डायरेक्ट 52 होता है। तो ये 50.4 अप्रॉक्स है, तो हमने 52 mm मान लिया। ठीक है, नाउ अब इम्पेरिकल फॉर्मूला से हम बाकी वैल्यू निकाल लें। तो ये रहा इम्पेरिकल रिलेशंस जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो डी वन क्या है, डायमीटर ऑफ द पिन। ठीक है, डायमीटर ऑफ पिन D1 है हमारा, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल होता है, मीन्स डायमीटर ऑफ रॉड के, मीन्स D1 कितना हो जाएगा हमारा 52 mm। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम D2 कैलकुलेट करें। D2 क्या है हमारा, दैट इज आउटर डायमीटर ऑफ द आई। तो D2 कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, 2D, दैट इज 2D विच इज इक्वल टू 2 इंटू 52 विच इज इक्वल टू 104 mm। ठीक है, अब हम D3 कैलकुलेट करते हैं। क्या है D3, दैट इज डायमीटर ऑफ नकल पिन हेड। तो D3 क्या होता है हमारा 1.5D विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 52 दैट इज 78 mm। ठीक है, नाउ T क्या है, थिकनेस ऑफ आई। तो T क्या है, T कैलकुलेट, T क्या होता है हमारा 1.25 ऑफ D,
1.25 of d, which is equal to 1.25 into 52, is equal to 65 mm. Okay, now next T1 जो कि होता है 0.75 D. T1 क्या है हमारा? थिकनेस ऑफ फॉर्क. तो T1 क्या हो जाएगा हमारा? 0.75 D, which is equal to 0.75 into 52, which is equal to 39. But जो हमारा T1 है, दैट इज थिकनेस ऑफ फॉर्क, उसका भी स्टैंडर्ड दिया हुआ 39, वो नहीं होता है 38 होता है, और उसके बाद डायरेक्ट वो होता है 40. 39 है तो हम इसे अप्रॉक्स 40 mm मान लेते हैं, जो हमें स्टैंडर्ड है इसलिए हम इसे 40 मानेंगे. ठीक है, हमारा ये T1 भी आ गया. नाउ लास्ट बचा है T2 कैलकुलेट करना है. T2 क्या है? थिकनेस ऑफ द पिन हेड क्या होता है? 0.5 D. 0.5 into 52, which is equal to 26 mm. हमारा T2 भी आ गया. हमारे पूरा वैल्यूज ये हमने कैलकुलेट कर लिया इंपेरिकल फार्मूला बाय इंपेरिकल रिलेशन. बाय इंपेरिकल रिलेशन से हमने ये सारा वैल्यू फाइंड कर लिया. नाउ नेक्स्ट, वैसे तो अपने क्वेश्चन का यही सोल्यूशन खत्म हो जाता है. ठीक है, अब जो भी आपका जो जो वैल्यू आया है, आप अपना नकल जॉइंट एक बनाइए रफ ड्राइंग से. नकल जॉइंट आपको रफ ड्राइंग करके बनाना है हर क्वेश्चन में अगर दिया हो, और जो जो डायमेंशन आया है कितना कितना आया है वो इतना ऐसे जो भी डायमेंशन हमारा आया वो पूरा आपको उस ड्राइंग में दिखाना है कि हमारा ये इतना है. ठीक है, रफ ड्राइंग बनाना हाथ से और वहाँ पे दिखा देना वैल्यू. ठीक है, वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे एंड हो जाता है, बट हम आपको, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ इसलिए और मैं आगे बढ़ूंगा इसको. ठीक है, अब मान लो ये तो हम निकालिए, क्या ये जो वैल्यू आया क्या ये सही आया है? इसको चेक करने के लिए अब हम जो फेलियर्स कंडीशन थे वो सब लगा कर देखते हैं, और चाहो तो आप ये प्रोसीजर भी कर सकते हो अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन हुआ तो. ठीक है, तो सेकेंड हम अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं, डेट इज़ द फेलियर ऑफ नकल पिन इन शीयर. तो क्या फार्मूला होता है इसके लिए? पी इज इक्वल टू टू, नकल पिन की बात कर रहे हैं तो दो जगह से लगेगा, इंटू पाई बाई फोर नकल पिन की डायमीटर, डेट इज D1 का होल स्क्वायर इंटू शीयर. ठीक है, पी हमारा कितना दिया हुआ है? डेट इज 150 इंटू 10^3 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई फोर. D1 हमने अभी कैलकुलेट किया, डेट इज 52 का होल स्क्वायर इंटू शीयर. ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा शेयर जो क्या उसके बराबर, उससे ज़्यादा जो हमारा शेयर दिया हुआ है क्वेश्चन में इससे ज़्यादा हुआ तो मिस आपका फेल हो गया. तो आप चेक करके देख रहे हैं, अब इसको वैल्यू पूरी सॉल्व करेंगे तो आपका टाउ जो आएगा अप्रॉक्स 35.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और विच इज़ इक्वल टू 35.3 मेगा पास्कल. अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आपका क्या दिया था? टाउ 60, और हमारा 35 आ रहा है, मीन्स सेफ है हमारा मटेरियल. नाउ थर्ड चेक कर रहे हैं हम, फेलियर ऑफ सिंगल आई ड्यू टू टेंशन. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है? पी इज इक्वल टू D2 माइनस D1 थिकनेस इन टू टी ना सिग्मा टी. ये हमारा फॉर्मूला होता है. ठीक है, वैल्यू पुट करके सिग्मा टी की वैल्यू निकाल लें. लोड हमारा 150 इंटू 10^3 दिया हुआ है, D2 हमारा अभी क्वेश्चन में हमने निकाला है, D2 दैट इज 104 माइनस D1 हमारा कितना है? डेट इज 52, और हमने थिकनेस निकाला है 65. थिकनेस है हमारा 65, तो हम यहाँ 65 इंटू सिग्मा टी. अब आप यहाँ से सिग्मा टी की वैल्यू निकालें तो सिग्मा टी की वैल्यू आएगी 44.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. चेक करो, कम है, मीन्स हमारा जो सिंगल आई सेफ है इतने लोड के, 150 लोड के, जो हमारा लोड दिया है 150 के लिए हमारा सिंगल आई सेफ है. नाउ फेलियर ऑफ सिंगल आई ड्यू टू शीयर. अब शीयर से चेक करके देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है. शीयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू दैट इज D2 माइनस D1 T इंटू टाउ होता है, विच इज इक्वल टू D2 कितना हो जाए, ये पी का वैल्यू हमारा कितना था मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ. ठीक है, 10^3, और D2 कितना है हमारा, दैट इज 104 माइनस D1 52 इंटू टी
65 इंटू टाउ, इससे आप टाउ की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका अप्रॉक्स 44.4, ये भी आया। मेगा पास्कल ले लो या न्यूटन एमएम में चेक करो। इतने लोड के लिए हमारा जो टाउ आ रहा है इतना आ रहा है, और मैक्सिमम दिया है इतना, मीन्स हमारा सही है, शेयर भी नहीं होगा उसमें ज़्यादा। नाउ फिफ्थ है हमारा फेलियर ऑफ सिंगल आई ड्यू टू क्रशिंग। फार्मूला क्या होता है सिंगल आई का जब क्रशिंग से फेल होता है, डेट इज़ पी, सिर्फ होल वाला पार्ट का एरिया यूज़ करते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डेट इज़ डी वन पिन का इंटू थिकनेस, लेंथ इंटू विड्थ लेते हैं उस एरिया के लिए, इंटू सिग्मा सी, ठीक है। वेयर डी वन कितना दिया है, डी वन हमारा दिया हुआ है 52, हमने अभी निकाला डी वन, ठीक है। इंटू टी हमारा कितना निकला 65 इंटू सिग्मा सी, और पी की वैल्यू हमारी दी हुई है 150 इंटू 10 पावर 3, तो इससे सिग्मा सी की वैल्यू निकल जाएगा जो अप्रोक्स सेम ही आएगा। ठीक है, लगभग आप देखो अब एक का फेलियर सिंगल आई का निकाल रहे हो ना, तो सबका जो आपका सिग्मा टी टाउ सिग्मा सी लगभग चांस में सेम आता है। अब देखो फेलियर ऑफ सिंगल आई का देख लिया, रॉड का देख लिया, नाउ अब क्या बचा है हमारा, पिन का भी हमने पूरा पिन का निकाल लिया, अब बचा है फोर कैंट। अब फोर कैंट में फेलियर ड्यू टू टेंशन, फेलियर ड्यू टू शियर, फेलियर ड्यू टू क्रशिंग का फॉर्मूला लगाना, हमने तो एम्पेरिकल से पूरा वैल्यू निकाल लिया, पुट करना और चेक करना कि आपका सही इससे कम आ रहा है या ज़्यादा, ज़्यादा आ रहा है मीन्स फेल हो गया फोर कैंट, कम आ रहा है मीन्स इतने लोड के लिए 150 किलो न्यूटन लोड के लिए हमारा फोर कैंट एकदम सही है, ठीक है। तो आप उसे खुद करके देखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।